अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं होममेड फालूदा, और उसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो हैं हमारे पास सेवैयाँ, मोटी सेवैयाँ, ये आप देख सकते हैं, ये मोटी सेवैयाँ हैं, ये बारीक सेवैयाँ, और बादाम है हमारे पास तकरीबन 7-8 अदद ले लें आप, और कुमलंगा है हमारे पास 1.5 चम्मच के करीब, और इलायची है ये 7-8 होंगी, और काजू है हमारे पास, और ये 1.5 पाव दूध है हमारे पास, और जमेशीरी। तो व्यूअर्स, ये जो रेसिपी है बहुत ही आसान है, आप घर पे इसे बना सकते हैं आसानी से, और आपको कोई डिब्बा वगैरह आर्टिफिशियल लाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप घर पे आसानी से बना सकते हैं और क्विकली बना सकते हैं बहुत ही जल्दी से। मेरी रेसिपीज़ जो होती है वो जल्दी से आप तैयार कर सकते हैं घर पे, मैं आसान रेसिपीज़ आपको बताती हूँ ताकि आप घर में ही जो होम मेड चीज़ें हैं, जो घर में मौजूद चीज़ें हैं, उन्हीं से आप तैयार कर सकें। तो आइए मैं आपको अब सिखाती हूँ कि ये बनाना कैसे है। सो व्यूअर्स, आप एक पतीला ले लें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लें, एक कप या 1.5 कप के करीब, और उसमें बारीक सेवैयाँ डाल दें, ये ऐसे ये सेवैयाँ डाल दें, और आंच जो है वो धीमी रखें, दरमियानी आंच रखें, बहुत ज़्यादा धीमी भी ना हो और ज़्यादा तेज़ भी ना हो। ये जितनी मेरे पास सेवैयाँ थी उतना ही मैंने पानी डाला है ताकि ये इसके अंदर ही जो है सूख जाए और निकालने की ज़रूरत ना पड़े। सो व्यूअर्स, ये देखिए आप, पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है और इस तरह की हो गई हैं सेवैयाँ बिल्कुल सूख के, ये गल चुकी हैं। मैंने ये सेवैयाँ इसमें जग में डाल दी है और इसको ग्राइंड करने के लिए जग में डाल दिए हैं, ये बहुत ज़्यादा थिक हो गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ी नरम हो तो इनमें आप आधा कप पानी डाल के इसको ग्राइंड कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो मैंने एक पतीला ले लिया है, उसमें दूध डाल दिया है, और ये हमारे पास जो है ना ग्राइंड हो गई हैं, ये इस तरह की शक्ल आ गई है इनकी, ये बिल्कुल लिक्विड टाइप हो गई हैं, ये सेवैयाँ बिल्कुल ग्राइंड हो गई हैं। अब हम दूध में एक चम्मच, ये देखिए ये बड़ी चम्मच है, ये एक चम्मच दूध में हम चीनी भी डाल देंगे, और इंग्रेडिएंट्स में मैं चीनी बताना भूल गई थी, अब मैंने बता दी है तो आप इसको याद रखें। तो अब मैंने ये हाफ चम्मच चीनी की डाल दी है, अब ये जो ग्राइंड की हुई सेवैयाँ हैं ये मैं डालूंगी इसमें, इसको 7 चम्मच भी चलाते रहना है, और ये मैं डालूंगी इसमें इस तरह से, जब सेवैयाँ डाल ली है तो इसमें चम्मच 7-7 चलाते जाना है, नहीं तो ये एक ही जगह पे जम जाएंगी और ये गुठलियाँ सी बन जाएंगी, जिससे आपका फालूदा ख़राब हो सकता है। आप मसलसल इसमें चम्मच चलाते रहें, और फ्लेम जो है वो मीडियम रखनी है, बल्कि हल्की ही रख लें आप, क्योंकि ये गिर ना जाए, इसके गिरने का खतरा होता है। बड़ी ये देखें, इसे आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चला के ठीक करना है, इसे सही ठीक हो जाए तो फिर जो है इसे ठंडा करके फ्रीज करें। अभी ये हमारा ठीक नहीं हो रहा, हम आहिस्ता आँच पे जो है इसको पका रहे हैं, आहिस्ता आँच पे हम पका रहे हैं इसको, ये देखें ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। फ्लेम मैंने बिल्कुल हल्की रखी है, और आप लोगों ने भी बिल्कुल हल्की रखनी है, और हल्की आँच पे इसको जो है पकाना है उस टाइम तक जब तक ये ठीक ना हो जाए अच्छी तरह से, चम्मच चलाते रहना है, ये ना हो कि ये उबल के बाहर गिर जाए, और चम्मच साथ साथ चलाते रहना है, फ्लेम हल्की रखनी है। ये देखें ये ठीक हो गया है, अब हम इसमें इलायचियाँ डालेंगे ऐसे खोल के, ताकि इनके बीज बाहर आएँ और खुशबू ज़्यादा आए। सो व्यूअर्स, तो अब ये थोड़ा ठीक हो गया है, अब हम इलायचियों के बीज इसमें डालेंगे, ये मैंने निकाले हैं अपने हाथ पे, ये मैं डालूँगी इसमें, और इलायची के बीज निकालूंगी,
और ये सिर्फ वीट डालूंगी और छिलका फेंक दूंगी। अब हम ले लेंगे, अब हम सांचा ले लेंगे फ्रीजर वाला जो जिसमें बर्फ हम जमाते हैं क्यूब्स की शक्ल में, तो उसमें हम लोग ये डाल देंगे चम्मच से, इसको एक एक को भर देंगे इस तरह से, ठंडा करने के बाद इसमें डालेंगे इस तरह से। सो व्यूअर्स, हमने ये अब क्यूब्स भर लिए हैं, अब हम इसको फ्रीज कर देंगे। उसको मैंने फ्रीज होने के लिए रख दिया है और अब मैंने एक और पतीला ले लिया, उसमें पानी डाला है और आंच जो है वो चूल्हा जला दिया है। अब मैं इसमें मोटी सेवइयां डालूंगी, जब ये पानी गर्म होगा तब डालूंगी। अभी मैं थोड़ी देर के लिए वेट करती हूँ ये पानी गर्म हो जाए। जी व्यूअर्स, तो हमने उबाल ली थी मोटी सेवइयां, हमने उबाल ली थी, अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। हम प्यालों में देसी माहौल में बनाएंगे, जैसे कि देसी माहौल में बनती हैं चीजें। ये पहले हम सेवइयां डाल लेंगे, मोटी सेवइयां। अब हम इस पे जो कुल्फा हमने बनाया था वो डालेंगे। इसी तरह हम बाकी प्यालों पे भी ये कुल्फा डालेंगे। देखें, ये बहुत ही मजेदार हमारा फालूदा तैयार हो जाएगा, जो कि देसी स्टाइल और होममेड फालूदा है। इसे आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत यमी सा है। आप इसमें जितना ज़्यादा कुल्फा डालेंगे उतना इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, बहुत मज़े का बनेगा। अब हम इसमें तुफलंगा ऐड करेंगे, ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर फैला देंगे, ये बहुत प्यारा लुक आ रहा है, ये इस तरह से हम फैला देंगे इन तीनों को। ये ऐसे अब हम इस पे जामेशीरी डालेंगे इस तरह से। मैंने बोतल का ढक्कन में सुराख कर लिया था, आप लोग भी कर लें इसमें, या कोई ऐसी बोतल ले लें जिसमें सुराख हो, उसमें जामेशीरी डाल लें और इस तरह से इसको बना के तो आप नोश फरमाएं, बहुत मज़े का है। जी व्यूअर्स, तो ये अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप बहुत मज़ेदार सा होममेड फालूदा बनाएं घर में और खाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। और अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप कॉमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।